हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रिया क्रीमी क्रिएशन में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ फिश करी की रेसिपी, जो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगी, जो बनाने में बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने 700 ग्राम फिश लिया है। इसे हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी 1/2 TSP। इसमें मैं नमक डालूंगी 1 टेबल स्पून। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। आप चाहे तो इसे अच्छी तरह से हाथ से भी मिला सकते हैं। हल्दी और नमक सारी फिश में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इसे फ्राई करेंगे, तो चलिए फ्राई करते हैं। अब हम गैस में एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, जिसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। इस तरह से हाथ से चेक करें कि वो तेल गर्म हुआ है या नहीं। और तेल जब गर्म हो जाए तो हम एक एक करके फिश को डालेंगे। और याद रहे, हम तेल में ज़्यादा फिश ना डालें, जितना हो पाए उतना ही डालें। चार पाँच मिनट के बाद हम इसे पलट दें। दोनों साइड से हम अच्छी तरह से पकाएंगे। फिश हम हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे। पाँच मिनट हो गए हैं, फिश अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे निकाल देंगे। इसी तरह से हम बाकी फिश भी फ्राई कर लेंगे। देखिए सारे फिश फ्राई हो गए हैं। देखिए ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हुए हैं। हम फिश करी के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। ये पीला सरसों है, जिसे हम 2 टेबल स्पून लेंगे। ये काला सरसों 2 टेबल स्पून लेंगे। ये 25 से 30 लहसुन, हरी मिर्च, मैंने 7 लिया है। आप जितना तीखा खाते हैं आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप इसे कम भी कर सकते हैं। मैंने इसमें जीरा डाला है 1 टीस्पून। जिस तेल में मैंने फिश फ्राई किया था उसी तेल में हम मसाला भी भुनेंगे। कटे हुए प्याज हम तेल में डालेंगे। हल्का ब्राउन होने तक हम इसे चलाते रहेंगे। जब प्याज हल्का ब्राउन हो जाए तो हमने जो ग्राइंडर जार में मसाला पीसे थे उसे हम प्याज में डाल देंगे और अच्छी तरह से चलाएंगे। हम थोड़ा पानी भी डालें। इस मसाले को हमें ब्राउन होने तक भूनना है। इसे बार बार चलाते रहे जिससे कढ़ाई में मसाला ना चिपके। इस मसालों को भूनने में हमें कम से कम 10 से 15 मिनट लगे हैं। हम मसाला जितना भूनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर मसाला कढ़ाई में चिपकने लगे तो हम थोड़े पानी डाल के फिर से भूनेंगे। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम में ही हम इस मसाले को भूनेंगे। आप लोग देख सकते हैं मसाला हल्का ब्राउन हो गया है। हम इसे और थोड़ा भूनेंगे। 1 टेबल स्पून हम नमक डालेंगे, जिससे टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। अगर कढ़ाई में मसाला चिपकने लगे तो थोड़ा पानी भी डालेंगे। अच्छी तरह से चलाएंगे और टमाटर डालेंगे। टमाटर काट करके डाला है। अब इसे हम अच्छी तरह से चलाएंगे। जब तक पक ना जाए हम इसे चलाते हुए पकाते रहेंगे। थोड़े थोड़े पानी ऐड करते रहें अगर मसाला कढ़ाई में चिपक रहे हैं तो।
आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छी तरह से पक गया है। अब हमारा मसाला भी रेडी है। जब कढ़ाई में मसाले के साइड में जब आपको इस तरह से ऑयल दिखे तो आप समझ जाइए कि आपका मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा चला लें। आप लोग देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। पानी डालने से पहले हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, कश्मीरी चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून डालेंगे। थोड़ा पानी डाल करके हम सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ग्रेवी के लिए मसाला रेडी है। अब हम इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। आप जितना ग्रेवी चाहते हैं आप उतना ही पानी ऐड करें। याद रहे मैंने पहले भी नमक इसमें डाल चुका था। आप ग्रेवी को टेस्ट कर ले, अगर आपको नमक कम लगे तो आप अपने हिसाब से नमक ऐड करें। पानी ऐड करने के बाद 5 मिनट तक हम इसे और पकाएंगे। रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें एक एक करके फिश डालेंगे। इसे हम अच्छी तरह से चलाएं जिससे फिश अच्छी तरह से ग्रेवी में डूब जाए। टेस्ट के लिए हम इसमें थोड़े धनिया पत्ते कट कर लेंगे और उसे डालेंगे। इसे भी अच्छी तरह से हम चला लेंगे। करी रेडी है सर्व करने के लिए, तो आप इसे जरूर ट्राई करें। कि फिश करी कैसी बनी है आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। देख सकते हैं कि मेरी फिश करी कैसी बनी है और यकीन मानिए खाने में भी बहुत टेस्टी थी, तो आप जरूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।